नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल रंग बदल रही है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब बीजेपी नेता की भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र में कुछ भी होने के आसार नजर आ रहे हो, ऐसे में सियासत को लेकर भविष्यवाणी कर बीजेपी ने सुर्खियां जरूर बटोर रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की टेंशन में भी इजाफा कर दिया है, जिससे विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, बीजेपी नेता की भविष्यवाणी से हंगामा, क्या महाराष्ट्र में फिर से पलटेगा खेल, बीजेपी नेता के दावे से मचा सियासी बवाल। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी नेता ने भविष्यवाणी कर सबको चौंका दिया और साथ ही हंगामा भी खड़ा कर दिया। दरअसल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर फिर बड़ी भविष्यवाणी की है। खास बात यह है कि वो इससे पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। पिछली बार उनकी ऐसी भविष्यवाणी करने के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। ये तीनों घटनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए अप्रत्याशित थी। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और विस्फोट होगा। इससे कई लोगों की भौहें तन जाएंगी और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। गिरीश महाजन ने कहा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक विस्फोट होने वाला है और हुआ था। इससे उनका पारिवारिक रिश्ता है, वो दिवाली दशहरा त्यौहार के दौरान पारिवारिक समारोह में एक साथ मिलते हैं, तो ये एक पारिवारिक यात्रा होगी। सुप्रिया सुले और अजित दादा की इस मुलाकात के बारे में अजित दादा ही बता सकते हैं। 8 दिनों में राज्य में एक और विस्फोट की संभावना है। शरद पवार की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिलने पर उन्होंने कहा कि ना तो उद्धव ठाकरे की मशाल नहीं चलेगी और पवार साहब की तुर ही नहीं बचेगी। एमपी के लिए 6 मंत्रियों के नामांकन पर बात करते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि ये फैसला हमारे वरिष्ठ स्तर के नेता लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक बात सामने नहीं आई है। ये एक महज अफवाह है। लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा केंद्र स्तर पर होती है। दरअसल अभी हाल ही में शरद पवार ने रायगढ़ में अपनी पार्टी का सिंबल लॉन्च किया। भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रतीक के रूप में तुरहा, एक पारंपरिक तुरही बजाता हुआ आदमी आवंटित किया गया था। चुनाव चिन्ह में एक आदमी को उल्टे सी के आकार में एक लंबा घुमाऊदार तुरही जैसा वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया है, जिसे धागे या स्ट्रिंग से सजाया गया है। तुरहा को तुरही या तुरतुरी के रूप में भी उच्चारित और लिखा जाता है और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में इसका स्वरूप कुछ हद तक विभिन्न होता है। धातु के आम होने से पहले ये उपकरण बैल के सींगों से बनाया जाता था। पहले के युग में तुरहा को औपचारिक रूप से बजाने से राजाओं, रईसों और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों के आगमन की सूचना मिलती थी। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में तुरहा एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। बीते दिनों शरद पवार ने कहा कि देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन एनसीपी के साथ ऐसा हुआ। शरद पवार ने अपनी पार्टी के पूर्ण निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने आगे कहा कि ना केवल पार्टी का नाम बल्कि एनसीपी का प्रतिष्ठित घड़ी चिन्ह भी छीन लिया गया, जो कानून के अनुरूप नहीं है। हर कोई जानता है कि एनसीपी की स्थापना किसने की। पवार ने कहा, सिंबल खोने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूं, उनमें से 5 बैलों की जोड़ी, गाय और बछड़ा, एक चरखा हाथ और अंत में घड़ी के चिन्ह पर थे। चुनाव चिन्ह छीनने का मतलब ये नहीं कि संगठन खत्म हो गया। गिरीश महाजन ने सांसद संजय राउत को लेकर कहा, ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष उनसे पूछकर ही काम करते हैं। जहां कुछ भी कहने को अफवाह फैलाना इनका काम बन गया है। मैं उद्धव ठाकरे और ठाकरे गुट के प्रमुख संजय राउत से कहता हूं कि आप अपनी सीट पर ध्यान दें।
हम देखेंगे कि हम कहां लड़ेंगे, कितनी जगह लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। ठाकरे समूह को जितनी सीटें मिली हैं उनमें से एक सीट चुननी चाहिए। जब मैं बीजेपी में था तो 18 सीटों पर चुनाव होते थे, अब उन्हें एमपी के लिए कम से कम एक सीट चुननी चाहिए। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार के नए इलेक्शन सिंबल पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में उसको कुरहा या तुतारी बोलते हैं, एक हाथ में शिवसेना की मशाल है और अब दूसरे हाथ में कुरहा, शिवसेना की मशाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुरहा। हम कांग्रेस के साथ मिलकर सबकी तुतारी बजा देंगे। बता दें कि शिवसेना में टूट के बाद इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए 3 विकल्प दिए थे। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रखा था और जलती हुई मशाल को पार्टी का नया सिंबल चुना था। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे नित्य शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने स्तंभ रोक ठोक में संजय राउत ने कहा कि भाजपा को 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का भरोसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे नेताओं को शामिल करने का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र एक समय प्रगतिशील राजनीति और आधुनिक विचारों के लिए जाना जाता था। राज्य की छवि बदलने के लिए भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार है। महाराष्ट्र अब राजनीतिक पाला बदलने और सांस्कृतिक पतन के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया जैसे भाजपा नेता एक समय अशोक चव्हाण के मुखर आलोचक थे। उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब जब चव्हाण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तब फडणवीस मौजूद थे। फडणवीस ने एक बार चव्हाण को डीलर कहा था, अब राज्य के उप मुख्यमंत्री को उनके साथ काम करना होगा। चव्हाण पर पहले बीजेपी ने आदर्श हाउसिंग घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। पिछले हफ्ते वो बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मनोज जरांगे ने 6 बार मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की। पटेलों के आंदोलन के बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाया, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। महाराष्ट्र में पहली बार इतनी तत्परता से काम हुआ, लेकिन फिर भी जरांगे की इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, कहीं तो संतुष्ट होगी। अब विशेष सत्र बुलाए गए हैं, कानून के अनुकूल आरक्षण दिया गया, हम कर रहे हैं। जरांगे को अतिवादी रुख अपनाए बिना अपनी जरूरत मांगों को ठीक करना चाहिए, लेकिन भूख हड़ताल पर जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने राज्य सरकार पर सरकारी नौकरी और शिक्षा में समुदाय के लिए आरक्षण के लिए चल रहे उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। अंतरवाली सरती गांव में मीडिया से कहा कि वो अपने अगले कदम के बारे में बताएंगे। उन्होंने समुदाय के लोगों से एकत्र होने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके प्रयासों को विफल करने के लिए चाल चल रही है। उन्होंने कुनबी मराठों के रिक्त संबंधियों पर अधिसूचना को कानून में बदलने में देरी पर सवाल उठाया। जरांगे ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल से अपील की है कि वो अपनी जिद छोड़ दे। मराठा समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया है और उसका लाभ भी जल्द मिलेगा। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले स्पष्ट किया था कि मराठा समाज को आरक्षण देते वक्त अन्य समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को बरकरार रखते हुए मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया है, इसीलिए ओबीसी समुदाय में संतुष्टि और मराठा समुदाय में खुशी व्यक्त की जा रही है। ऐसे मनोज जरांगे पाटिल को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया है, इसीलिए किसी को भी ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो। इस बारे में जरांगे पाटिल को भी अवगत करा दिया गया है, इसीलिए अब उन्हें आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल चल रहा है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।